करना बंद करो, बंद करो, महिला पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 खाना परिवारी को निलंबित करो। 7वां दिन है हम लोगों का धरना प्रदर्शन का। झारखंड सरकार जो है युवाओं के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। 3.5 साल से हम लोगों को बिना मानदेय, बिना किसी प्रोत्साहन राशि का खटाया जा रहा। प्रोत्साहन राशि के नाम पे सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। अभी कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? पूरे झारखंड से, पूरे झारखंड से, मतलब स्टेप वाइज आ रहे हैं पर डे के। आंगनबाड़ी सेवा करनी होती है और आज क्या वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ये धारणा का। आज हमारे 7वां दिन है जो आमरण अनशन है। हम पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मी पिछले लगातार 3 सालों से अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। सरकार एक कुप्रथा चला के रखी जिनका नाम प्रोत्साहन राशि रखा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वो प्रोत्साहन राशि के जैसे कुप्रथा को समाप्त करके एक निश्चित मानदेय लागू करें, जिससे हम तमाम 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मी अपनी भरण पोषण के साथ अपने बाल बच्चे परिवारजनों को भी कुछ सहायता कर सकें। और हम जो पंचायत स्तर पर जितने भी जन कल्याणकारी योजनाओं को कर रहे हैं, उस योजनाओं को करने में भी हमें ऊर्जा मिले। कल इसी जगह पर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर पुलिस लाठीचार्ज किया, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। वो उस पुलिस वालों ने काफ़ी बदतमीजी किया। ये एक तरह से झारखंड इतिहास का एक काला दिन गिना जाएगा। इसके वजह से हमारे पंचायत सचिव वाले स्वयं सेवक में जितनी भी महिला साथी है वो लोग आज नहीं आई है, इस डर से कि इस रघुवर सरकार में आबरू तक भी सुरक्षित नहीं है। यदि हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग जो आज 7वें दिन आंदोलन अनशन पर है। महिला पुलिस एक भी नहीं थी, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। महिला पुलिस एक भी नहीं थी, केवल वो जेंट्स पुलिस थे और धड़ाधड़ लाठियां भांजना शुरू कर दिए। हम लोगों ने भी बीच बचाव किए हैं। हम लोगों ने सेविका सहायिका को बोले कि ये घमंडी सरकार से जो पागल मतवाले की तरह, हाथी की तरह जो चल रहे हैं, उससे बचिए, अपने आप को बचाइए। आंदोलन हम लोग आने वाले किसी सरकार से ले लेंगे याचना करके। यहाँ हम लोग रन करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास न सत्ता है न शक्ति है, और उनके पास सत्ता शक्ति दोनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।